वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें कि हम सबसे पहली ग्लैंड पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसके जो हार्मोन्स हैं एंटीरियर पार्ट से और पोस्टीरियर पार्ट से जो निकलने वाले हार्मोन्स है, उसके बारे में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पीपल हैं नए, प्लीज लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी वीडियोज आपको सही टाइम पर मिलते रहेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। इसके जो पिछले वाले वीडियोस थे उसके अंदर भी मैंने एंडोक्राइन सिस्टम और हॉर्मोन्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया था। अगेन यहाँ पे मैं जस्ट फॉर द मेमोराइजिंग यहाँ पे फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है एक तरह का सिस्टम है जो कि कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है, और इनका सीक्रीशन जो होता है वो हॉर्मोन कहलाता है, राइट। बेसिकली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसको सबको जो रूल करती है ग्लैंड, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, राइट। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस, एडिनल ग्लैंड, ओवरीज इन द फीमेल एंड टेस्टिस इन द मेल, राइट। इतनी सारी यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों होती है। उनके एंडोक्राइन पार्ट से हॉर्मोन रिलीज होता है और एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम रिलीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियाज। ओके सो हम कह सकते हैं कि हार्मोन जो एक तरह का केमिकल है, एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है जो कि पूरी बॉडी के अंदर रेगुलेशन का काम करता है, और मास्टर ग्लैंड जो होती है वो यहाँ पे रेगुलेशन में हेल्प करती है। स्टार्ट करते हैं हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर डिस्कशन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, या हम इसको कह सकते हैं मास्टर ग्लैंड, या हम इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। ओके सो व्हाट इज कॉल्ड द हाइपोफाइसिस। हाइपो का मतलब होता है नीचे। ओके अब किसके नीचे प्रेजेंट होती है, ये हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द हाइपोफाइसिस। ओके सो बात करेंगे इसके एनाटॉमी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो राइट साइड में जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर बहुत क्लियरली मैंशन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक कैविटी है, राइट। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक कैविटी नजर आ रही है। इस कैविटी का यहाँ पे नाम है सेलाटर्सिका। ओके इस सेलाटर्सिका कैविटी के अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऊपर की तरफ एक स्टॉक से अटैच्ड है। स्टॉक को हम यहाँ पे कहते हैं इन्फंडिबुलम, राइट, जैसे नॉमेनक्लेचर में आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो बात करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं, और जो हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। तो जब भी हम यहाँ लोकेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ कहेंगे कि ये सेलाटर्सिका कैविटी में प्रेजेंट होती है और हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। ओके साइज की बात करते हैं, साइज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 1 to 1.5 सेंटीमीटर ये वाइड होती है। इसकी थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर की होती है, राइट। तो गाइज ये इसका साइज एंड शेप था। बात करते हैं इसके अब लोकेशन के बारे में। ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूँ आपको कि ये यहाँ पर सेलाटर्सिका या फिर इसका नाम है स्पिनोइड बोन में प्रेजेंट होती है। एंटीरियर पार्ट जो होता है इसका, इसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर होता है इसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। दोनों से ही हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके बीच में यहाँ पर थोड़ा सा एक कहना चाहिए कि एक रीज़न होता है, इस रीज़न को हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। ओके जो दोनों के बीच होता है इसलिए उसको कहते हैं इंटरमीडिएट, तो इसका नाम है पार्स इंटरमीडिया, राइट। चलते हैं आगे की तरफ। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एंटीरियर लूप की, या हम कहेंगे इसको एडिनो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस और इससे रिलीज होने वाले हॉर्मोन, जैसे आप डायग्राम में यहाँ देख पा रहे हो कि इसके अंदर FSH, LH, GH, PRL, ACTH और TSH यहाँ पर प्रोड्यूस होता है इसके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, राइट। तो सबसे पहले हम मैम देखते हैं, सबसे पहला हार्मोन है यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिन। ओके सोमा मतलब होता है बॉडी एंड ट्रोपिन मतलब होता है ग्रोथ करना। तो बॉडी की ग्रोथ में जो हार्मोन हेल्प कर रहा है दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन। ओके सो ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये बॉडी की ग्रोथ और ग्रोथ रेट को रेगुलेट करता है। ओके साथ में जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं इसका भी जो कंट्रोलिंग करने वाला हार्मोन होता है या रेगुलेटिंग फैक्टर होता है वो कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है। तो बॉडी के अंदर हर चीज़ जो होती है वो काउंटर बैलेंस होती है। ओके हर चीज़ होम्योस्टेसिस में मेंटेन रहती है। अब होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए यदि हम बात करें ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन को जो रिलीजिंग फैक्टर होता है और हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। ये रिलीज होता है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। साथ ही और एक
हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो एक हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज में हेल्प कर रहा है, तो दूसरा हार्मोन उसको इनहिबिट कर रहा है। तो जब भी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है एक लिमिट से ऊपर जाता है, सो वहाँ पर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है वो उसको काउंटर बैलेंस कर देता है, राइट। इस तरह से दोनों ये रेगुलेशन करते रहते हैं। सो ये सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर, टिश्यू मास को जो है इंक्रीज करता है, सेल के नंबर को इंक्रीज करता है, जिससे कि बॉडी का साइज इंक्रीज होता है। अब सोचिए कि यदि इसका हाइपर सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा, या हाइपो सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा। ओके, हाइपर सिक्रीशन हो गया इट मीन्स कि ये ग्रोथ तो ऑलरेडी करा रहा था, और हाइपर सिक्रीशन हो गया, ज़्यादा सिक्रीट हो गया, एक लिमिट से ऊपर चला गया, तो क्या होगा, जिजेंटिज्म हो जाएगा। जिजेंटिज्म का मतलब होता है कि उसका जो बॉडी होगा या उसके जो लिम्स होंगे काफ़ी ज़्यादा लेंथ वाइज काफ़ी ज़्यादा होंगे। ओके, उसका हाइट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, बट यदि इसका हाइपो सिक्रीशन हो जाए, तो हाइपो सिक्रीशन होने की वजह से जो पर्सन है इसकी हाइट नहीं बढ़ती है, बॉडी साइज नहीं बढ़ता है, इसको हम कहते हैं डॉर्फिज्म। ओके, बौनापन जिसको हम कहते हैं। तो हाइपो सिक्रीशन कॉज द डॉर्फिज्म एंड हाइपर सिक्रीशन कॉज द जिजेंटिज्म, राइट। नाउ आफ्टर नॉर्मल ग्रोथ हैज स्टॉप, जब नॉर्मल ग्रोथ रुक जाती है, जब हमारी बोन्स की जो एपिफाइशियल प्लेट है वो कैल्सिफाइड होना शुरू हो जाती है, उस टाइम पे भी यदि ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो ये कॉज करता है एक्रोमेगेली। ओके, ये यहाँ पे क्या कॉज कर रहा है, एक्रोमेगेली। तो जब आपका टाइम है कि लाइक इस एज तक या हाइट बढ़नी है, इस एज तक की बॉडी डेवलप होनी है, उसके बाद में यदि ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो इट कॉज द एक्रोमेगेली, जिसमें कि जो लिप होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जो जॉज होता है वो भी हैवी हो जाता है, जो हमारे फिंगर्स होती हैं वो हैवी हो जाती है। ओके, इसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। सो गाइज, इट इज़ अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। चलते हैं आगे नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, जो रिलीज हो रहा है एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। तो इसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन नाम से क्लियर है कि इट इज़ रिलेटेड टू मिल्क या मेमोरी ग्लैंड। ओके, सो फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराना और मिल्क का प्रोडक्शन कराना, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मिल्क का सिक्रीशन कराना, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, सिक्रीशन जो होगा वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होगा, राइट। सो प्रोलैक्टिन जो होता है मेमोरी ग्लैंड को ग्रोथ कराता है, मिल्क प्रोडक्शन कराता है, साथ में यहाँ भी काउंटर बैलेंस होता है, तो उसको भी इनहिबिट करने वाला जो हार्मोन है दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या PIH हार्मोन। ओके, जो कहाँ से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। सो जब भी प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस चालू होती है, उस समय ये वर्क करता है, मेमोरी ग्लैंड को यहाँ पे प्रोड्यूस कराता है और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ताकि जो आफ्टर बर्थ जो चाइल्ड हो उसको प्रॉपरली मिल्क मिलता रहे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो TSH, TSH जो होता है इसका कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है, इसका नाम है TRH। ओके, तो TRH जो होता है दैट इज़ द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इसको इनिबिट करने वाला जो हार्मोन है दैट इज थायरोट्रोपिन इनिबिटिंग हार्मोन। ओके, तो थायरॉयड ग्लैंड में ये TSH जो है वो जाता है और वहाँ पे थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कराता है, थायरोक्सिन को निकलने में हेल्प करता है, या वहाँ की जो सेल्स होती हैं फॉलिकुलर सेल, वहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कराता है, और थायरोक्सिन हार्मोन आगे जाके इसका जो भी फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म का या ग्रोथ का, BMR मेंटेन करने का, ये सब काम जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द TSH। नेक्स्ट चलते हैं हम ACTH की तरफ, दैट इज कॉल्ड द एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ओके, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक, एड्रिनो का मतलब होता है कि हम रिलेट कर रहे हैं उसको एड्रिनल ग्लैंड से, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, ये स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कॉर्टेक्स मेडुला दो रीजन्स होते हैं, इसमें से जो कॉर्टिकल रीजन होता है इस कॉर्टिकल रीजन को ये एक्टिवेट करता है और वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सीक्रीट कराता है या रिलीज कराता है, राइट। इसको भी काउंटर बैलेंस करने के लिए दो तरह के हार्मोन्स है, दैट इज द कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH, और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या हो गया, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना, ओके, वाया रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यहाँ पे नेक्स्ट हार्मोन है LH, दैट इज कॉल्ड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, राइट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम, यदि हम बात करें फीमेल्स की तो उसमें ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को सीक्रेट कराने में ये स्टिमुलेशन प्रोवाइड कराता है या उसको हेल्प करता है,
इसके अलावा यदि हम बात करते हैं मेल्स की, तो मेल्स के अंदर इसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, बिकॉज ये टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट कराने में हेल्प करता है फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, तो एलएच की वजह से ही यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है सीक्रेट हो रहा है फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, या हम बात करेंगे FSH की। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओवरिन फॉलिकल को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, साथ में ईस्ट्रोजन के सीक्रीशन में हेल्प करता है। मेल्स के अंदर टेस्टिस में स्पर्म को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है, या उसको स्टिमुलेट करता है। ओके, तो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन का काम होता है फीमेल्स में ओवरिन फॉलिकल को स्टिमुलेट करना और मेल्स में यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस कराना। नेक्स्ट है MSH, दैट इज द मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट लाइक ये रिलेट करता है एक वर्ड को जिसका नाम है मेलेनिन। मेलेनिन जो होता है ये स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? सो MSH जो होता है इट रेगुलेट द स्किन पिगमेंटेशन एंड प्रमोट द डिपॉजिट ऑफ मेलेनिन इन द स्किन। जैसे ही सनलाइट के एक्सपोजर में स्किन आती है वहां पर पिगमेंटेशन चालू हो जाता है, बिकॉज जो मेलेनोसाइट होती है वो मेलेनिन का सिक्रीशन चालू कर देती है, और जितना ज्यादा मेलेनिन होगा उतना ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन होगा। ओके, सो द पर्सन जो बहुत ज्यादा सनी एरिया में रहते हैं जहाँ पे धूप ज्यादा होती है, उस वहां पर जो कंडीशन होती है काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्किन कलरेशन जो होता है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन दिखा जाता है, राइट? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस की, हॉर्मोन्स की। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का मतलब होता है पोस्टीरियर लोब। ओके, डायग्राम में आपको दिख रहा है न्यूरो हाइपोफाइसिस पीछे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है। न्यूरो हाइपोफाइसिस दो तरह के हार्मोन ही रिलीज होते हैं जिसका नाम है वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन को हम कहते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन। तो जब आप यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर ही काम करता है वैसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है? साथ में प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की परमिबिलिटी को बढ़ाता है और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इनहिबिट बाय द एल्कोहल, एल्कोहल के इंटेक आप करते हैं तो इनहिबिट हो जाता है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन के रिजल्ट इन डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ADH हार्मोन का यदि कम सीक्रेशन होता है तो उसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होती है, ना कि डायबिटीज मेलाइटस। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी होती है। ओके, सो यहाँ पे बहुत क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, जिसे याद नहीं है प्लीज़ नोट डाउन आप कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। जब भी लेबर पेन होता है, जब भी पार्चुरेशन होने वाला होता है या डिलीवरी होने वाली होती है, उस टाइम पे लेबर पेन ये कराता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है और सेफली जो है प्लासेंटा वहाँ से डिटेच होता है, राइट? इसका एक जो सिंथेटिक वर्जन है इसे हम कहते हैं पिटोसिन। पिटोसिन जो होता है ये बिल्कुल इसका एनालॉग है और लेबर पेन को बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट? इसके अलावा इट स्टिमुलेट द मैमरी ग्लैंड टू रिलीज द मिल्क। अब यहाँ से प्रोलैक्टिन काम क्या कर रहा था, मैमरी ग्लैंड को डेवलप करा रहा था और मिल्क को प्रोड्यूस करा रहा था, बट सिक्रीट कराने का काम किसका होगा, ऑक्सीटोसिन का होगा। सो ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है फ्रॉम द मदर, ताकि वो बेबी को अच्छे से फीड करा पाए। ओके, सो एट लास्ट हम बात करने वाले हैं अब डिसऑर्डर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, राइट? बिकॉज इसके आगे जो भी स्लाइड्स आएंगे, जो भी वीडियोस होंगे, उसके अंदर पर्टिकुलर हार्मोन के साथ उसका हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन दोनों की वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, डिसऑर्डर अराइज होते हैं, वो हम उसको उसके साथ में देखेंगे। ओके, सो यहाँ कुछ बातें हम कर लेते हैं हाइपर सिक्रीशन की वजह से। तो यदि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। इसका नाम है पहला एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली में जो हार्मोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन होता है, राइट? इसका रीज़न ये है कि पिट्यूटरी के अंदर कहीं ना कहीं एडिनोमा है, ये एक तरह का बेनाइन ट्यूमर होता है, इसकी वजह से कोई फटल इंसिडेंस नहीं होगा, बट इट इज़ अ ट्यूमर जिसकी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा या ओवर प्रोडक्शन ऑफ द
ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे दिखा जाता है। सिम्टम की यदि बात करें तो आप राइट साइड में जो डायग्राम देख रहे हैं एक्रोमिगेली का ही डायग्राम है, जिसमें हैंड स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, स्किन जो होती है वो थिक हो जाती है, जो जॉज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा जो टंग होती है ये बड़ी हो जाती है, कभी कभी पर्सन जो होता है वो अपनी टंग को ही काट लेता है इसकी वजह से, और साथ में हार्ट डिसीज के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, सो यहाँ जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसके थ्रू आप इजीली इसको समझ पाओगे कि एक्रोमेगेली में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फिर हम बात करेंगे दूसरे हार्मोन, दूसरे डिसीज के बारे में, जिसका नाम है जिजेंटिज्म। जिजेंटिज्म में आपको राइट साइड में एक डायग्राम दिख रहा है, इस फोटो के अंदर एक पर्सन जो है काफ़ी टॉल है, एक पर्सन जो है काफ़ी छोटा है, बट जो पर्सन छोटा है वो नॉर्मल है, जबकि जो पर्सन जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है वो काफ़ी ज़्यादा टॉलेस्ट है, इसको यहाँ पे क्या हुआ है, जिजेंटिज्म हुआ है। जिजेंटिज्म अगेन की ग्रोथ हार्मोन का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीक्रीशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन्स, और इसकी वजह से यहाँ पर जिजेंटिज्म कॉज होता है। सिम्टम्स में यदि देखा जाए तो उसमें वेरी लार्ज हैंड एंड फीट, हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, टोज एंड फिंगर जो होती काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, जॉज और फोरहेड भी बाहर की तरफ निकला होता है। ओके, फेशियल फीचर भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते। इसके अलावा चिल्ड्रंस में यदि हम बात करें तो चिल्ड्रंस में फ्लैट और लार्ज नोज होती है, इसके अलावा हेड जो होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, लिप्स और टंग जो होती है ये भी। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाले डिसऑर्डर्स, इसके हाइपर सिक्रीशन की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हॉर्मोन्स के बारे में, और उसके साथ में उसकी डिसीज भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।